श्री धनराज मध्यानी जी, श्रीपति अमिता डोभाल जी और श्री कन्या अग्रवाल जी, तीन आदमी अपन तैयार कर लो, अपन तैयारी कर लो। उदयपुर संकल्प शिविर के बाद सारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ये संकल्प शिविर आयोजन किया जा रहा है और जिला स्तर पे लगातार हम लोग संकल्प शिविर कर रहे हैं। आज रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी का शिविर है। उदयपुर में जो प्रस्ताव पारित हुए, सारे प्रस्ताव आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूती के लिए किस प्रकार हमको काम करना है, पदयात्रा करना है, भाजपा से लड़ना है और अपने कांग्रेस की मजबूती के लिए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकें, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि लगातार संकल्प शिविर में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए अपनी बात कह रहे हैं। जिस तरीके से जांजगीर ज़िले की राहुल साहू का रेस्क्यू का ऑपरेशन हुआ, अब इस धरती में इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर हमारे साथ है। लगातार 104 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जिला प्रशासन के साथ मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं तो अपने जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो सेना की टीम आई थी उनको बधाई देता हूं और समूचे जनमानस को बधाई देता हूं कि राहुल का जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया अपने आप में अभूतपूर्व है और जिस तरीके से व्यवस्था किया गया वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है और हम सब इस बात को मानने के लिए कि ईश्वर जिसके साथ होता है समझ लीजिए उसको कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, ये हमने देखा है। अब ये बहुत स्वाभाविक बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अगर मिलने की चाहत है, लगातार मुख्यमंत्री जी उनके पालकों से चर्चा किए हैं, उनके माता पिता से चर्चा किए, उनकी दादी तक से चर्चा किए हैं, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मुख्यमंत्री जी जाएंगे उनके साथ, समझ लिए हमारे मुख्यमंत्री गए मतलब हम सब लोग गए। गलत क्या कहा है, गलत क्या कहा है, कल तो ईडी के सामने जब राहुल जी से प्रश्न किया गया तो राहुल जी ने पूछा था कि और प्रश्न बचे हैं क्या, सारी रात बिठा के प्रश्न आप कर लीजिए, दूसरे दिन आने का काम मत रहे, और इशारे में वहाँ साबित हो गया कि प्रश्न भी कौन बनाता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ट्वीट किया है तो सच्चाई है, पूरा देश को मालूम होना चाहिए कि ईडी किसके संपर्क में है और किसके निर्देश पर इस तरीके से काम करता है।